हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके ऊपर मन की रीडिंग है रिगार्डिंग द क्वेश्चन और आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी कुछ होते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, आपका जो पहला कार्ड है, जो पहला मैसेज है, वो है हर्मेट जेमिनाइज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव स्ट्रेंथ। ओके, अंडरनीथ आपके पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है इस वक्त सिंगल हैं, वो ज़्यादा सिंगल अबंडेंट लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इसकी इमेजरी देखें तो कितनी खूबसूरत है ये, आपको ऐसे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन ये रियल में बहुत खूबसूरत है। सो आपके पार्टनर जो है इस वक्त जो है सिंगल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो मूव ऑन कर चुके हैं उस रिलेशनशिप से और जो टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप की उससे वो मूव ऑन कर गए हों और इस वक्त वो अपनी सिंगल लाइफ को अबंडेंटली बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं जेमिनाइज। और हो सकता है उन्होंने अपने आप को अलूफ डिटैच कर लिया और रिट्रीट करने के लिए अपने आप को अलूफ किया हो आपसे और ताकि वो कोई सही डिसीजन ले सकें। और हो सकता है आप किसी वीगो से डील कर रहे हों, वीगो हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन ने अपने आप वो मेडिटेशन पे भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें, अपने आप को आपसे डिटैच करके कुछ टाइम जो है वो रिट्रीट करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि वो किस कहाँ पर खड़े हैं और क्या चाहते हैं, क्या होगा उनके रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकल सकता है उनके लिए। और वो हो सकता है उन्होंने और अपने आप को वर्क पे बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है, अपने आप को काम, अपने जो भी काम है, कोई नया काम उन्होंने शुरू किया तो शायद उस पर वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने पे लगे हुए हैं। और हार्ट ब्रोकन है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो वर्क है, वर्क हो सकती है, फैमिली हो सकती है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ये थर्ड पार्टी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो ये डेविल काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक टॉक्सिसिटी में बदली हुई थी, तो इसलिए वो वॉकआउट हुए हैं कुछ वक्त के लिए और सिंगल लाइफ अपनी गुजारना चाहते हैं, अपने आप को सिंगल रख के वो देखना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है, वो ट्रीट करना चाहते हैं, अपने वर्क पे ध्यान देना चाहते हैं, लाइक वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं इस टाइम पे। तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वर्क पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो अपनी हार्ट जो ब्रोकन है उसको हील करना चाहते हैं, और वो ब्रोकन हार्ट भी हैं इस वक्त, बट वो अपनी स्ट्रेंथ में वापस आना चाहते हैं, लाइक वो हो सकता है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर दिया हो तो वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा गेन करना चाहते हैं। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे कोई वो नेक्स्ट मूव लेते हुए नज़र नहीं आ रही, बस वो उनका मूव यही था। अगर वो अभी भी आपके साथ हैं और कोई टॉक्सिक सिचुएशन उनके पास है तो उनका नेक्स्ट मूव यही हो सकता है कि वो कुछ देर अपने आप को इस सिचुएशन से डिटैच करके उनका नेक्स्ट मूव यही हो सकता है, अगर वो टॉक्सिसिटी में है, कुछ अनहेल्दी सिचुएशन उनकी लाइफ में है, तो उससे अपने आप को डिटैच करके वो सिंगल सेल्फ सफिशिएंट लाइफ गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को जो है हील कर सकें, अपने आप को स्ट्रांग बना सकें जेमिनाइज, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए रिट्रीट करना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट मूव है कि वो कुछ टाइम के लिए रिट्रीट करना चाहते हैं, अपने आप को अलूफ रखना चाहते हैं, कोई डीप लेवल पे जाके वो कुछ थिंक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले में, कुछ सोचना चाहते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, और हो सकता है साथ साथ वो अपने वर्क पर भी ध्यान दे रहे हों,
और अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में वो उसमें वर्कआउट करें, क्योंकि हार्ट ब्रोकन जब इंसान होता है तो वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए भी वो अपने आप को रिट्रीट में और कुछ टाइम के लिए स्टेप बैक होना चाहते हैं इस कनेक्शन से। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर योर पार्टनर नेक्स्ट मूव। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट, लाइक मी, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।